इवन मेरे को इंस्टाग्राम पे भी टैग्स आ रहे थे कि बाबू भैया शादी कर ली, बताए भी नहीं। मैंने रेगुलर व्लॉग्स, रेगुलर कंटेंट, सब कुछ हैम्पर हो गया था। जिन्हें पता उन्हें पता है मैक्लेरन इज कमिंग, सो हम लोग लेने जाएंगे उसे बाइक पर। कल से मोटो व्लॉग सीरीज शुरू हो जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो नेट होते हैं दैट इज गोना बी अप्रोक्सीमेटली अबाउट 10 years। बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से, पूरी पिक्चर बची है अभी प्रोमो दे। So hey guys, good morning, welcome to the episode first of this awaiting series. इस कहानी की शुरुआत हुई थी almost like 8 महीने पहले, जहां पर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सेविंग लगा करके हाईवे पर एक प्लॉट लिया था, almost 1 बीघा का। फॉर दीज ऑल ईयर्स मैंने जितना भी यूट्यूब पे जितना भी पैसा सेव करा था उससे मैंने सोचा कि मैं एक ड्रीम प्रोजेक्ट शुरू करता हूँ। एंड जिन्हें पता होगा उन्हें पता होगा आई बॉट माई फर्स्ट लैंड। दादाजी ने बहुत ज़मीन कमाई थी, बहुत ज़मीन थी, बट मुझे अपने हिस्से की मेहनत से अपना कुछ खड़ा करना था। सो कुछ महीने पहले वो ज़मीन खरीदी थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज़मीन को आपके नाम पर रजिस्ट्रेशन होने के लिए कुछ टाइम लगता है। एंड फाइनली गाइस दैट थिंग हैपेंड। और इस कहानी के एपिसोड से, जिस नई सीरीज पर, जिस नई कहानी पर हम आपको ले जाने की बात इतने टाइम से कर रहे थे, फाइनली गाइस दैट इज़ हैपनिंग। आई नो मैंने इतनी सारी चीज़ें, मैंने रेगुलर व्लॉग्स, रेगुलर कॉन्टेंट, सब कुछ हैम्पर हो गया था बिकॉज ये प्रोजेक्ट वॉज गोना बी द बिगेस्ट प्रोजेक्ट। एंड ये कहानी कुछ ऐसी है कि इस कहानी का पात्र केवल हम नहीं होंगे, इस कहानी का पात्र वो एक इंसान होगा जो अभी इस वीडियो को देख रहा है। बट टुडे इज़ अ बिग डे गाइस, बिकॉज फाइनली गाइस आज हमारे प्रोजेक्ट का होने वाला है भूमि पूजन। इसीलिए अभी सुबह के बजे ऑलमोस्ट 7:30 बजे बाबू भैया सुबह उठ करके तैयार हो चुके हैं। आई एम रियली एक्साइटेड, बट आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है गाइस। एंड एक होता है ना, जब आप ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते हो, नया स्टार्ट, तो आपको एक डर होती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम गाइस चेक दिस आउट, बिजी मम्मा, इतना हबड़ा दबड़ी में क्यों घूम रहे हो आप? क्या बोल रहे हो? उठाया होगा, चिंता माँ को ही होती है, और किसको होगी, बीवी को तो है नहीं। गाइस सुबह के 7:30 बजे पूरी फैमिली रेडी हो चुकी है, पंडित जी पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। हम लोग हिंदू कल्चर से बिलोंग करते गाइस, एंड हिंदू कल्चर में माना जाता है कि जब भी आप कुछ नया प्रोजेक्ट ज़मीन से शुरू करते हैं तो आपको भूमि पूजन करवाना पड़ता है। एंड इसीलिए आज हमारे प्रोजेक्ट का भूमि पूजन है गाइस। पापा सुबह 6 बजे उठ करके पंडित जी के पास चले गए थे, सामान ले आए थे। मैं सुबह सोया ही 4 बजे था, तो मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सुबह उठ पाऊँ। पापा, सैंडी और जूलू भी चला गया। मम्मी, जूलू किसके साथ गया? पापा, सैंडी और जूलू पहुंच चुके हैं लोकेशन पे। इस पूरे प्रोजेक्ट की जो नेट होते हैं दैट इज़ गोना बी अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 10 years, एंड वी विल बी अ पार्ट ऑफ दिस। पूरी कहानी मैं बताऊंगा, बट पूरी कहानी इस ब्लॉग में फाइनली आपको पता लग जाएगी। बट फिलहाल के लिए गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं सीधा अपनी लोकेशन पे भूमि पूजन के लिए। लेट्स गो, सब लोग रेडी हो चुके हैं गाइस। थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कि क्या होगा कैसे होगा, बट ये कहानी की शुरुआत आज के सीरीज वाले पहले व्लॉग के एपिसोड से शुरू होती है गाइस। क्या कह रहे हो लॉन्डो, फाइनली इतने इतने महीनों के तात्पर्य के बाद स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट? हाँ जी, आज स्टार्टिंग है। कैसा लग रहा है? हमें तो दुखदुखी हो रहा है गाइस। डे वन पहले दिन से ही आज ये प्रोजेक्ट होगा। अप्रोक्सीमेटली कितना? 365 डेज अप्रोक्सीमेटली, 365 डेज का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। पर दिन के हिसाब से आपको चीजें मिलती रहेंगी। फिलहाल लैम्ब हो चुकी है क्लीन गाइस, और हम लोग जा रहे हैं लोकेशन पे। लेट्स गो। मैं सुनती हूँ लोगों को ज्यादा नहीं, पर मैं जानती सबके हूँ दिल का। मेरे होते पड़ोसी अमीर जो पैसा या बातें बनाने से मिलता, लो आदत डाल में रुकू, ये होगा नहीं, सोचा नहीं किसी ने, करूंगी सब पैसों से लाखों का भरूंगी पेट में। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, एनर्जी आ रही है ना, इतनी एनर्जी सुबह 7 बजे उठ करके बहुत एनर्जी है। एंड गाइस सर्दियां भी शुरू हो चुकी है, तो ये जो देख रहे हो आप आगे फॉग वाला सीन, ये बहुत फेस करना पड़ेगा। लैम्बो इतने दिन से बाहर ही पार्क थी। लाल पापा पहुंच चुके हैं गाइस लोकेशन पे। वी हैव टू गो, लेट्स गो। पहले भी बोला है मकसद नहीं है मेरा, कमाना पैसा या कमाना फेम, फर्क है मुझे बदलनी है दुनिया और तुम्हें बदलने है घर। करने से बातें हो जाती है ताजा, वो यादें कि कैसे करा मैंने शुरू था, तब कोई नहीं था मेरे साथ में, रोने को आईने में बैठा गुरु था बस। ये देखो गाइस, कलमेंग सामान लेते चाहते हुए। क्या सामान ले रहे हैं? पता नहीं, पूजा के लिए। यार हम लोग निकल चुके हैं घर से। एंड द थिंग इज गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं,
इस दिन के लिए बहुत दिनों का वेट था, बहुत 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 दिनों का वेट था, लिटरली बहुत दिनों का वेट था। एंड आज जब ये चीजें हो रही है ना, कांट रियली टेल यू राइट, जो इमोशन बोस्ट हो रहे हैं दिल के अंदर, खुशी भी है, डर भी लग रहा है। पता है मेरे को कैसा फील हो रहा है, जब आप 12 से निकल के पहली बारी बाहर वाली दुनिया में जाते हो ना, कि जहाँ पर आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद से निभानी होती है, सारे प्रोजेक्ट्स खुद से करने होते हैं, आप सोचते हो यार अब तो मैं घर का बड़ा बेटा बन चुका हूँ, मतलब यू नो यू फील लाइक ग्रोन अप। मेरे को वो वाली फीलिंग है कि यार क्या होगा, कैसे होगा। बट ये जर्नी की शुरुआत मैं अकेले नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं, वो हैव बीन अ पार्ट ऑफ माई जर्नी, एंड ये पूरी कहानी मैं उन लोगों के साथ जीने वाला हूँ। 365 दिन की है, ऑलमोस्ट 365 दिन की है पूरी जर्नी होने वाली गाइस। आज पहला दिन है, रियली नर्वस, आई डोंट नो क्या होगा कैसे होगा। चीज़ें अच्छी होंगी, मुश्किलें आएंगी, कहीं पर चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, कहीं पर उस चीज़ को होने के लिए थोड़ी मुश्किल आएगी, बट जो भी होगा ना, इस पूरे प्रोसेस को जीने में बहुत मज़ा आएगा। फिलहाल गाइस पहुँचते हैं लोकेशन पे, फैमिली इज ऑलरेडी देयर, चलते हैं, शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी। गाइस इतनी धूप में सुबह सुबह, यू नो मैं कभी नहीं उठता भाई, इतनी जल्दी तो मैं कभी नहीं उठता। हम कितने दिन बाद सुबह का सूरज देख रहे हैं ब्रो? दो तीन महीने बाद आई गेस जब हम लोग राइड। हेलो हेलो जुलू, ये चेक करो गाइस, हमारे लौंडे, हमारे हमारे चीते, हमारे दो शेर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आपको किसने बुलाया ये बताओ पहले, आपको किस, और आपको किसने बुलाया मेरी चुन्नी, आप दोनों को किसने बुलाया? हमने तो नहीं बुलाया भाई, हमने तो नहीं बुलाया आप दोनों को। हाँ, और पैंट गंदी कर ले तू गधे, पैंट आप चले जाओ, यू आर नॉट अलाउड हियर, हमारी जमीन पे नहीं आ सकते आप। जल्दी इधर पकड़ लो गाइस, देखो हमारा भूमि पूजन। हम सब चीज लेके आए, पंडित जी इज ऑल्सो हियर, बट ये चेक करो, फड़वा नहीं था, हावड़ा, सॉरी गाइस। उसमें विटामिन डी की बहुत कमी थी, आज सूर्य देवता ने सब पूरा कर दिया, पंडित जी ने पूरा कर दिया। अभी तो शुरुआत खोद दे, जहाँ पे होना है मतलब दोनों प्लॉट पे होना है। पंडित जी डायरेक्शन फिर अपने पूरब, कैसा पूरब की तरफ मुंह करके ऐसे, हाँ ऐसे बस खोद, मैं यहीं से लूँ जी, सॉल्व पूरा खोदना है, विटामिन डी सब कुछ मिलेगा। नींद तोड़ना खोद नहीं है पापा। चलो ठीक है, न्यूटू भाई सोच रहा है ये ऐसे ही होंगे ना, ऐसे खोदते हैं। वैसे मैं हाथ में चालू कर कलम कलम हो गया, क्या तीन दिहाड़ी वाले लोग मिल गए। हाथ सब लगा रहा, जोर कोई नहीं मार रहा, बस चलो हो गया। ओके बॉयज, देयर इज अ ट्विस्ट, हमारा भू पूजन हो चुका, बट आज हमारे भू पूजन पे एक बहुत स्पेशल इंसान है। अब जी आ जाओ, मिठाई खा लो, भूमि पूजन की आपके लिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में, आपके लिए एक फ्लोर बन जाएगा पापा इसमें। आशीर्वाद से ही बनते हैं फ्लोर, पैसों से नहीं बनते। थैंक यू यार, तो क्या करना है इसका? वो बाबा जी के लिए। गाइस मैं आप लोगों को बता रहा था, सुबह सुबह हमारे जमीन पर एक बाबा जी आए, वो बोल रहे हैं जमीन इनमें से कोई हिस्सा उनका पूछ लेंगे, भाई कौन सा हिस्सा आपका है, खतौनी हो गई ना हमारे नाम। पेट पापी होता है ये बाबू, अगर पेट ना होता तो भीख ना मांगते।
अरे बाबा जी आराम से। अरे आज काम ठीक है बाबा जी। गाइस फाइनली भूमि पूजन इज डन। कांट रियली टेल यू द हैप्पीनेस वी डिड इट। फिलहाल अभी पंडित जी को ना और भी जगह पूजा करने जाने एंड हम भी जा रहे हैं गाइस घर। लेट्स सी यू एट होम। खुशी को दिन, खुशी को दिन। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपके पास। ओके जी फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके थे अपने घर एंड द थिंग इज नाउ कम्स टू द मेन पार्ट। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि बाबू भैया इतने टाइम से व्लॉग्स रील्स सोशल मीडिया पे एक्टिव क्यों नहीं थे। मैं बता देता हूँ, देयर वर थ्री मेन रीजंस। पहला रीजन था मेरी हेल्थ का, मेरे को ना टाइफाइड हो गया था तो मैं एक महीना हॉस्पिटल में एडमिट था, मुझे पता है कि कैसे टाइम पीरियड निकाले। दूसरा वॉज दिस प्रोजेक्ट दैट आई वॉज टेलिंग यू अबाउट। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने टोटल अपने अप्रॉक्सीमेटली 10-12 CR के अराउंड इन्वेस्ट करें एंड ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा विच विल नॉट ओनली हेल्प मी बट टू ऑल द मेम्बर्स, जो लोग भी कनेक्टेड है हम लोगों के साथ, जो लोग भी वीडियोज़ देख रहे हैं। एंड मेरा बेसिक आइडिया इस प्रोजेक्ट के पीछे ये था, आप लोगों को पता है हम लोग लोगों की हेल्प आउट करते हैं बट उस हेल्प आउट में ना वो वन टाइम हेल्प आउट होती है। एक बार हेल्प आउट कर दी, 1,50,000, 2,00,000, 3,00,000 मैक्सिमम 10,00,000 भी अगर हम लोगों ने किसी को दिए तो वन शॉट गए बट उसके बाद पैसा ना खत्म हो जाता है। तो रैदर देन वन टाइम हेल्प आउट करने के बजाय हम लोगों ने एक ऐसा प्रोजेक्ट का सोचा है फिलहाल के लिए जिससे लोगों को एक फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, महीने का वो 30,000-40,000 रुपए तक का स्टेबल कमा पाए। एंड दिस इज ऑल अ प्रोजेक्ट फॉर नाउ गाइज। हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे चैनलाइज करेंगे तो ये सारी चीज़ को एक्यूमुलेट करने में अप्रॉक्सीमेटली टाइम गया है मेरा एंड मैं एक चीज़ पर फोकस होना चाहता हूँ। बिकॉज सी मेरे लिए फॉर नाउ इज नॉट जस्ट पोस्टिंग व्लॉग्स सोशल मीडिया। मेरे को ऐसा था कि यार जहाँ लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया अब मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करके उन लोगों के लिए कुछ करना था। सो दिस वॉज अनदर रीज़न। एंड जो आखिरी रीज़न है उसके पीछे बहुत सारे लोग अपनी सोच दौड़ा रहे थे कि बाबू भैया आप शादी कर रहे हो बिना बताए, बाबू भैया की एंगेजमेंट हो गई, ये हो गई। मैं बहुत सारी वीडियोज़ देख रहा था जो ऐसे वायरल हो रही थी, इवन मेरे को इंस्टाग्राम पर भी टैग्स आ रहे थे कि बाबू भैया शादी कर ली बताए भी नहीं। देखो ये बिल्कुल अफवाह वाली बातें थी। एक्चुअली जिस दिन होगा जो कुछ होगा मैं फुल्ली अनाउंस करके करूँगा। बहुत सारे लोगों को लग रहा था मैं पोस्ट नहीं कर रहा हूँ तो मैंने खोपचे में जाकर के शादी कर ली, दैट वॉज नॉट द थिंग एट ऑल। मैं बस इसी प्रोजेक्ट में लगा हुआ था कि यार जहाँ लोगों ने मेरे लिए इतना सब कुछ करा है थोड़ा सा अपनी जिंदगी का टाइम देकर के लिए आप लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। एंड आई गॉट अ होल टीम जो ये पूरा प्रोजेक्ट देख रही है एंड मेरा काम ऑलमोस्ट यहाँ पर खत्म हो जाता है क्योंकि नींव डालनी बहुत ज़रूरी थी इस प्रोजेक्ट की, वो डल चुकी है। अब आगे जाकर के टीम विल बी हैंडलिंग इट एंड आई एम बैक ऑन पोस्टिंग व्लॉग्स एंड रेगुलर कॉन्टेंट। एंड आई थिंक देयर इज अ सरप्राइज फॉर यू। कल हम लोग अपनी एक राइड शुरू कर रहे हैं, मैं बताऊंगा नहीं कहाँ की शुरू कर रहे हैं बट जिन्हें पता उन्हें पता है मैक्लेरन इज कमिंग। सो हम लोग लेने जाएंगे उसे बाइक पर। मोटर व्लॉग्स देख करके लोग बहुत खुश जाएंगे, कल से मोटर व्लॉग सीरीज शुरू हो जाएगी एंड दिस सीरीज इज गोना बी द बिगेस्ट गाइस। मजा आएगा सब लोगों को, बहुत खुशी होगी। खुशी को दिन, खुशी को दिन। आई रियली अपोलोजाइज इतने दिन कॉन्टेंट अपलोड ना करने के लिए, व्लॉग्स ना पोस्ट करने के लिए, अपडेट ना देने के लिए, बट ट्रस्ट मी गाइस जो डिसीजंस लिए हैं ना वो सबके लिए हेल्पफुल होंगे। बाकी उम्मीद करते हैं गाइस आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो इतने दिन बाद व्लॉग्स देख करके कैसा लगा। थैंक यू सो मच जो लोग अभी बने रहे हमारे साथ, उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइस।